हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपको बनाकर दिखाएंगे अरवी का पत्ते का पकौड़े। तो देखिए, आज हम आप लोग के सामने बनाकर कैसे बनता है, मैं सामने बनाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये मैंने ये सारे डंडे कट कर लिए हैं और इसको साफ पानी में धुल के रखे हैं। तो देखिए, ये मेरा छोटा छोटा है अरवी का पत्ता, तो इसलिए मैं इसमें बेसन लपेट के पकौड़ी बना नहीं पा रही हूँ। तो इसको कटिंग करके कैसे बनता है मेरा पकौड़े, वो आज बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले इसको धुल के और ये डंडी काट लेना, उसके बाद से खूब साफ पानी में धुल लेना और इसको कटिंग कर देना। तो देखिए, मैं कटिंग कर दे रही हूँ। तो ये है मेरा, देखिए काट के कटिंग करके और साफ धुल के रख लिए। अब इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे वो आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा खाने में स्वाद देता है ये पकौड़ी, एक बार आप लोग भी बना के ट्राई कीजिए। इसका पानी अच्छे से निकाल लेना इस पकौड़ी का। तो देखिए, मैं और काटती रही हूँ, इसमें इसका पानी अच्छे से निकाल लेना ताकि मेरा पकौड़ी जो है बनाते वक्त गीला ना हो। तो देखिए, बहुत ही अच्छा से मैंने सारा पानी, थोड़ा सा पानी देखिए ये निकला है। मैं कितना इसको बहुत बार साफ पानी में धुल दिए हैं, धुल के रखे थे। तो देखिए, मेरा ये पानी निकला है, थोड़ा सा पानी निकल चुका है। हम इसको निकाल देंगे। तो देखिए, मेरा कितना अच्छे से काट करके साफ करके रख दिए। ये रखे हैं छोटा सा प्याला, इसमें ये पत्ते को इसमें ऐड करेंगे। और इसमें देखिए डाले हैं, ये रखे हैं बेसन और चावल का आटा, ताकि ये मेरा चावल का आटा कड़वी होता है तो बनाते वक्त ये खूब अच्छा से कुरकुरे टाइप का बन जाएगा, ये गीला नहीं होगा। इसी के वजह से मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया है और बेसन, हल्दी, नमक, लहसुन, हरा मिर्च और जीरा मरीच इसमें पीस के ऐड कर दिए हैं। एक बार और बता देती हूँ इसमें क्या क्या ऐड किए हैं। तो बेसन, चावल का आटा और हरा मिर्च, लहसुन, जीरा मरीच और नमक, हल्दी, इसमें इतना सारा रेमेडी इसमें ऐड किए हैं। तो देखिए, मैं इसको सारा इसी में ऐड कर दे रही हूँ। अगर आपके घर चावल का आटा नहीं होगा तो चावल होगा उसको पानी में भिगो दीजिए कुछ देर के लिए, और थोड़े देर बाद उसको पीस दीजिए। तो देखिए, मैं इसको हाथों से खूब अच्छा से मिक्स कर दे रही हूँ। तो जब मेरा मिक्स हो जाएगा तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए, आप भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए ऐसे पकौड़े। एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने को मन करेगा, एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। हाथों के माध्यम से इसको
तो देखिए मेरा अच्छा से मिक्स करके ये रख लिया है हम। अब हम इसको तालेंगे। तो देखिए मैं छोटा छोटा ऐसे करके ये देखिए बहुत ही हाथों के माध्यम से बना लीजिए ऐसे। तो देखिए ये तेल रखे हैं मैंने, तो तेल मेरा गरम हो चुका है, हम अभी इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है। एक बार ज़रूर आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है खाने में। देखिए बहुत ही अच्छा। तो मैं चार पकौड़े डाल दिए। अब इसको थोड़े देर तक होने दे रहे हैं तेल में। इसको धीमी आँच धीमी गैस के माध्यम से पकाना, ताकि मेरा अरवी के पत्ते जो है वो वापसी नहीं पका है, वो कच्चा ही है। तो धीमी गैस करके पकाएंगे तो अच्छे से पक जाएगा। तो तब तक मैं इसे होने दे रही हूँ। तो देखिए मेरा अरवी का पत्ता जो है वो अच्छे से पक चुका है तेल में, बहुत ही अच्छा पका है। तो इसको मैं निकाल दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है खाने में। एक बार ज़रूर आप भी बना के ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत ही टेस्टिंग लगता है खाने में। तो देखिए मैं सारा पकौड़ी बना के तैयार कर ली हूँ, बहुत ही अच्छा। तो देखिए मैं सारा पकौड़ी बना कर तैयार कर ली हूँ, बहुत ही अच्छा खाने में स्वाद आता है। तो एक बार ज़रूर आप भी बना के टेस्ट कीजिए, एक बार बनाइए, कई बार खाने को दिल करेगा। तो जल्द ही जल्द बना के खाइए, क्योंकि बहुत ही टेस्टिंग अरवी का पत्ते का पकौड़ी लगता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा मेरा आज का वीडियो।